अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम लोग आलूओं का शीरा बना रहे हैं। देखिए गाइस, हमने ये सब मसाले ले लिए हैं। ये गरम मसाला है, ये तेज़पत्ता है, ये अदरक लहसुन है, ये कुटमिर पुदीना है, ये नमक है, ये मिर्ची है, ये हल्दी है, ये ज़ीरा पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, ये प्याज है, ये गोश है, ये इमली है, ये टमाटे और आलू है। ये देखिए गाइस, ये कुकर है, इसमें हम गोश्त ऐड कर लेंगे। देखिए गाइस, इसमें हम प्याज ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें तेल ऐड करेंगे। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम पानी डालेंगे ताकि जो गोश्त है अच्छे से गल जाए। अब हम इसे सीटी लगा देंगे, हर सीटी होते तक चूल्हे पर रख देंगे। गाइस, हमने कुकर को चूल्हे पर रख दिया है। देखिए गाइस, ये इमली थी, अब हम इसे बंद रखेंगे। देखिए गाइस, चार सीटी हो चुकी है, इसको हम खोल ले रहे हैं। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इसमें पोटली मसाला भी डाला है, उसको हम लोग पीस के रख लिए थे। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। हम थोड़ा सा पानी डाल के और सीटी लगाएंगे इसमें। देखिए गाइस, दो सीटी हो चुके हैं, अब हम टमाटरों को देख लेंगे। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। इसको हम चूल्हे पे रख के फिर से भून लेंगे थोड़ा।
देखिए गए, इसमें हम आलू डालेंगे। देखिए गाइस इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे, पानी और थोड़ा ऐड करके और एक दो सीटी लगेंगे आलू गलने के लिए। दो सीटी हो चुकी है, इसको हम खोल लेंगे। देखिए आलू गल चुके हैं, हमारा सालन बन चुका है। थोड़ा इसमें हम खट्टा डाल लेंगे इमली का। देखिए इमली का खट्टा है, थोड़ा सा इमली का खट्टा डाल लेंगे हम इसमें। देखिए गैस इसमें हमने इमली का खट्टा डाल दिया है, इसको थोड़ा हम पकने के लिए रखेंगे चूल्हे पे। देखिए गैस आलू का शेरवा बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए हम सर्व कर लेंगे। देखिए गैस हमारा शेरवा रेडी हो चुका है। देखिए गैस इसमें थोड़ा हम गार्निश करेंगे कोथिंबीर पुदीना से। ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली रेसिपी के संग। अस्सलाम वालेकुम गैस, आज हम लोग दम का गोश्त बना रहे हैं। ये गोश्त है, ये दही है, ये घी है, ये कसूरी मेथी, ये अदरक लहसुन, नमक, मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये गोश्त का मसाला है। इसके अंदर हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। हम इसमें घी ऐड करेंगे। हम दही ऐड कर रहे हैं घी, इसमें हमने घी ऐड कर लिया है। अब इसमें हम कोथमीर पुदीना ऐड करेंगे। इसको बिरयानी के चिकन के जैसा कर लेना है।
एक घंटा मैरिनेट होने रख देंगे। अब हम इसे फ्रिज में एक घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। हम ढककर रखेंगे। देखिए गाइस, एक घंटा हो चुका है, मैरिनेट के लिए रखे थे गोश्त। अब इसको हम कढ़ाई में बनाएंगे। इसमें डालेंगे हम तेल। देखिए गाइस, ये गोश्त को हम दम पे छोड़ देंगे। दम गोश्त बोलते हैं इसको। देखिए गाइस, हमने गोश्त को धीमे आंच पे 20 मिनट पका लिया है, दम पे रखे थे। देखिए, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, नींबू भी डाले हैं इसमें, थोड़ा थोड़ा खट्टा खट्टा अच्छा दिखता है। देखिए गाइस, हमारा दम का चिकन, दम का गोश्त रेडी हो चुका है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। देखिए गाइस, हमारा दम का गोश्त रेडी हो चुका है। ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना, वो बोलेंगे।